लगातार पांचवें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 38 पैसे और डीजल 49 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपए के पार पहुंची। राफेल को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर फिर हमला। कहा, राफेल पर सवालों से डरकर संसद छोड़कर घर बैठ जाते हैं मोदी। साथ ही पूछा, सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की इतनी जल्दी क्यों थी। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, हमारी तैयारी पूरी, पार्टी यूपी में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवपाल यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार। लखनऊ में मायावती से मिले तेजस्वी यादव। कहा, SP-BSP के गठबंधन से लालू का सपना साकार हुआ, आज अखिलेश यादव से मिलेंगे। आलोक वर्मा को हटाने वाली सिलेक्ट कमेटी के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के जज AK सीकरी ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया, CSAT का सदस्य बनने से इनकार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का BJP और अमित शाह पर हमला। कहा, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे और राम मंदिर बनेगा, ये सिर्फ BJP के जुमले, शिवसेना को हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बना, आज से कानून लागू हुआ। मीटू में फंसे फिल्म निर्माता और निर्देशक राजकुमार हिरानी, संजू फिल्म की एक असिस्टेंट ने यौन शोषण का आरोप लगाया। और एशियन कप फुटबॉल में आज भारत का मुकाबला बहरीन से, नॉकआउट में पहुंचने के लिए भारत का जीतना जरूरी।